नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सफर। देश में टीकाकरण अभियान का आज 1 साल पूरा हो गया है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर देश को बधाई दी है। आपको बता दें कि टीकाकरण अभियान के चलते देश प्रतिभावान वैज्ञानिकों और स्वास्थ्यकर्मियों सभी का धन्यवाद करता है। कोविड वैक्सीनेशन अभियान के 1 साल पूरा होने पर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि अब तक वैक्सीनेशन जो भी हुआ है वो पूरी तरीके से हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि अब तक 156.83 करोड़ डोज लगा गए हैं, तो वहीं आपको बता दें कि 65 करोड़ लोगों का पूरी तरह से टीकाकरण हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने वैक्सीनेशन अभियान पर बोलते हुए कहा कि इस दौरान हमने जो सफलता पाई है वो सच में एक गौरवान्वित करने वाला समय है। 1 वर्ष में हमने 156 करोड़ से अधिक की डोज लगाई हैं। 18 साल से अधिक आयु में 93 करोड़ लोगों को पहली डोज लगा दी गई है, तो वहीं 72% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आने वाले गणतंत्र दिवस परेड के लिए पश्चिम बंगाल के प्रस्तावित झांकी की अस्वीकृति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और परेड में पश्चिम बंगाल को स्वतंत्रता सेनानियों की झांकी को शामिल करने का अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में स्थित जयप्रकाश अस्पताल टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। सीएम ने कहा कि जनता के साथ का परिणाम है कि हम तीसरी लहर में भी सुरक्षित हैं। वैक्सीनेशन के कारण कोरोना घातक नहीं है। अस्पताल में भी भर्ती होने की संख्या बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 23 जनवरी से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेगी। सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्री अमित शाह 23 जनवरी को यूपी में वर्चुअल रैली को संबोधित कर सकते हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने प्रचार प्रतिबंधों को 22 जनवरी तक के लिए आगे बढ़ा दिया। उत्तराखंड में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। रविवार को आबकारी सचिव और आबकारी आयुक्त के पद से हरिचंद्र सेमवाल को हटा दिया गया है। आबकारी सचिव का पद रविनाथ रमन और आबकारी आयुक्त का पद नितिन भदौरिया को दिया गया है। इसके बाद से आपको बता दें कि एसएसपी उधम सिंह नगर दिलीप सिंह कुमार को भी उनके पद से हटा दिया गया है। आईपीएस बरिंदर जीत सिंह को उधम सिंह नगर जिले का नया एसपी बनाया गया है। बिहार में शराबबंदी पर चिराग पासवान ने कहा कि पटना अब तो गठबंधन के उनके साथी ही नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं और नीतीश कुमार के गृह जिले में जहां पर माना जाता है कि संभवतः शासन प्रशासन मुस्तैद होना चाहिए, लेकिन यहां जहरीली शराब पीने से मौतें हो रही हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने नालंदा में जहरीली शराब से मौत पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोर्चा नहीं संभाल रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून पर सोचना और विचार करना चाहिए। जब पीएम कृषि कानून को वापस ले सकते हैं तो सीएम भी इस पर विचार कर सकते हैं। गोवा में आम आदमी पार्टी ने बड़ा चुनावी वादा किया है। चुनाव प्रचार करने के लिए गोवा पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर गोवा में उनकी सरकार बनती है तो हर युवा को रोजगार देंगे। अगर किसी को रोजगार नहीं दे पाए तो उन्हें 3,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसके अलावा 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर माह 1,000 रुपये दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केजीएमयू अस्पताल में कोरोना की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि देश और दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रोन दूसरी लहर से की तुलना में काफ़ी कमजोर है, लेकिन इसका संक्रमण काफ़ी तेजी से फैलता है। इसके लिए सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। बीजेपी सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में सदस्यता ली है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस तरह अभिमन्यु को रोकने के लिए बड़े बड़े महारथी लगाए गए थे, वैसे ही अखिलेश को भी रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन वो सबको तोड़कर आगे निकल चुके हैं। सातवां द्वार तोड़कर वो विजय प्राप्त करेंगे। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश जी समझ नहीं आता कि उनका घर कहाँ है। जहाँ भी घर बनाते हैं उसे छोड़ देते हैं। इसी तरह जो अपना घर भूल जाता है वो प्रदेश को क्या याद रखेगा। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले और 14 फरवरी को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर ली हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा के बाद अब AIMIM ने भी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अभी 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। बताया जाता है कि चुनाव लड़ने के लिए हाल ही में उन्हें सरकारी नौकरी से PRS लिया था, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। जिस सीट से डॉक्टर मनोहर सिंह टिकट चाहते थे वहां से पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है। कानपुर के पूर्व कमिश्नर असीम अरुण के बीजेपी में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि असीम अरुण के आज बीजेपी में शामिल होने से साबित हो गया कि वर्दी में कैसे कैसे लोग छुपे हुए हैं। अखिलेश ने आगे कहा कि वह इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। असीम अरुण के साथ ही अफसर चुनाव को ही प्रभावित कर सकते हैं। नोएडा में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नोएडा के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हाई प्रोफाइल चुनाव मनाने से बड़े बड़े लोग चुनाव जीतकर यहां के लोगों को अपने हाल पर छोड़ देते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि आज उनके खिलाफ एक FIR भी दर्ज की गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री केजरीवाल गोवा में घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जम्मू संभाग के साथ कश्मीर के कई इलाकों में भी सुरक्षा बल लगातार चेकिंग कर रहे हैं। रविवार को सांबा जिले में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF के जवानों ने गश्त की। इस दौरान कई लोगों से पूछताछ भी की गई। जवानों ने सीमा से लगे इलाकों में सर्च अभियान भी चलाया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वीकेंड लॉकडाउन जारी है। इस दौरान दुकानें बंद दिखीं। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं की अनुमति है। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
राजस्थान के जयपुर में भी वीकेंड लॉकडाउन लागू हो गया। जयपुर में यहाँ वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दुकानें बंद दिखी, वहीं इक्का दुक्का लोग की आवाजाही सड़क पर देखने को मिली। तो वहीं आपको बता दें कि पूरी तरीके से प्रशासन चौकन्ना रहा। हरियाणा सरकार में गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में जितने रोज के नए मामले हैं, जो कि लगभग 9000 हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा मामले गुड़गांव फरीदाबाद के, साथ ही आपको बता दें कि सोनीपत के हैं। हम हर जगह स्वास्थ्य सेवाओं को इंतजाम कर रहे हैं। राज्य में पहली डोज 100 पूरी की गई है, तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी डोज 70% लोगों को लग गई है। यह अनिल विज ने कहा है। राजस्थान में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए जोधपुर में कर्फ्यू लागू किया गया है। इस दौरान जो लोग कोविड नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दे रहे हैं, पुलिस ने उनका चालान किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आज 2 से 3 स्थानों पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस सचेत है। कोरोना के खतरे के बीच एक अच्छी खबर आई है। आपको बता दें कि पहले के मुकाबले दिल्ली में अब कोरोना के मामलों में गिरावट हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू और तमाम पाबंदियों की वजह से हमने कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू किया है। यूपी में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेज 23 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि शासन ने कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए 6 से 15 जनवरी तक 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया है। ऑनलाइन शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए। मध्यप्रदेश में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, इससे विजिबिलिटी खत्म सी हो गई थी। बादल भी छाए रहे, तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। ग्वालियर और छतरपुर के नौगांव में पारा सबसे कम रहा, यहां तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। ये पारा सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया। मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट का तमगा दिलाने में अहम योगदान देने वाली कॉलर वाली बाघिन अब इस दुनिया में नहीं रही है। नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि सुपर मॉम को आखिरी सलाम। 29 शावकों को जन्म देने वाली पेंस टाइगर रिजर्व कॉलर वाली बाघिन की मृत्यु की दुखद खबर के चलते नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां चरम पर हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ता भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मोर्चा संभाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी 5 राज्यों में चुनाव को लेकर एक और नई जिम्मेदारी मिल गई है। अब MP के IAS और IPS भी चुनाव में मोर्चा संभालेंगे। मध्य प्रदेश के बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल के अलावा डॉक्टर देवेंद्र स्वामी के खिलाफ इंदौर की MG रोड पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। दरअसल कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल और बेटे और दुष्कर्म के आरोपी करण मोरवाल ने डॉक्टर के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। करण मोरवाल रेप केस में फिलहाल जमानत पर है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण फिलहाल बढ़ता जा रहा है, इसके लिए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन को जिम्मेदार होने की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश में इसकी जांच की सुविधा नहीं है। अब रायपुर एम्स में ऐसी RT-PCR जांच किट पहुंची है जो बिना जीनोम सीक्वेंसिंग के ही ओमिक्रोन वेरिएंट की पहचान करने में सक्षम है। बताया जा रहा है कि एम्स को जो किट मिली है उसकी जाँच प्रक्रिया RT-PCR जैसी है।
यूपी के चंदौली के चकिया कोतवाली क्षेत्र के चंद्रप्रभा रेंज कार्यालय के पास नशे में धुत कार सवार महिला दरोगा के पति ने कई लोगों को अपने कार से कुचल दिया और बीच बाजार में हुई घटना दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटना से गुस्साए राहगीरों ने महिला दरोगा के पति की जमकर पिटाई कर दी। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश की राजधानी नई दिल्ली समेत कई राज्यों में हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं और संक्रमण दर में तेजी दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सबसे अधिक 42,662 मामले महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 32,793 नए केस सामने आए। तमिलनाडु में बढ़ते कोरोना के मामले के मद्देनजर आज यानी दूसरे रविवार को भी संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है और ये किसी राज्य में पहली बार तीसरी लहर के दौरान लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन के साथ इस साल का पहला लॉकडाउन रहेगा। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए तमिलनाडु सरकार ने पहले ही नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया था। बस्ती में सीडब्ल्यूसी चेयरपर्सन प्रेरक मिश्रा ने जिला महिला अस्पताल में भर्ती 3 दिन के बच्चे को मां द्वारा छोड़कर चले जाने की जानकारी सीडब्ल्यूसी को दी, जिसके बाद आपको बता दें कि अस्पताल प्रशासन को बच्चे की जिम्मेदारी मिल गई है। पिछले 24 घंटे की बात कर ली जाए तो कोरोना वायरस के 271,202 नए मामले सामने आए और 314 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि 138,331 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। सबसे चिंता करने वाली बात यह है कि देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 15,00,000 के पार हो गई है। समाजवादी पार्टी से अलीगढ़ से टिकट मांग रहा है आदित्य ठाकुर ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की। पुलिस ने आनन फानन में ठाकुर आदित्य को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी किस्मत आजमा रही है। ओवैसी ने यूपी चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि AIMIM की तरफ से जो पहली लिस्ट जारी की गई है उसमें कई ऐसे नाम शामिल हैं जो मुस्लिम हैं। आज देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। बता दें कोरोना महामारी को मात देने के लिए चलाए गए टीकाकरण अभियान का आज 1 साल पूरा हो गया। आज के दिन यानी कि 16 जनवरी 2021 को देश में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाए जाने की शुरुआत की गई थी। टीकाकरण अभियान को 1 साल पूरा होने पर हरियाणा के CM मनोहर लाल ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री और पंजाब चुनाव सह प्रभारी मीनाक्षी लेखी आज पंजाब दौरे पर हैं। आपको बता दें कि इस दौरान वे सुबह 10 बजे गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में नतमस्तक हुई और इसके बाद मीनाक्षी लेखी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। उन्होंने पंजाब में बीजेपी को जीत दिलाने का फिलहाल मंत्र दिया। उन्होंने बीजेपी विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के लिए हथियार तस्करी और अपराध करने के नियत से झांसी में रहकर योजना बनाने वाले 3 बांग्लादेशी घुसपैठियों को STF टीम ने SOG और सीपरी बाजार पुलिस की मदद से मुठभेड़ के दौरान दबोचा। फिलहाल तीनों से पूछताछ की जा रही है।
श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल की महत्वपूर्ण बैठक अयोध्या धाम में संपन्न हुई। तो वहीं आपको बता दें कि यह बैठक श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के प्रमुख राजेश मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें दर्जनों पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्र पदाधिकारी के द्वारा द्वितीय चरण में यात्रा की तारीख मुकर्रर की गई है। रेवाड़ी जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार को एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के 152 नए मामले सामने आए। हालांकि 1110 कोविड सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। रविवार को कुल 1332 लोगों की कोविड जांच की गई। आपको बता दें कि जिले में अब कोरोना संक्रमण के कुल 442 मामले सक्रिय हैं। इनमें से 9 संक्रमित विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। हरियाणा में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि जब भी स्कूल खोले जाएंगे तब 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाने के बाद ही एंट्री दी जाएगी। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में तेजी के साथ वैक्सीन दी जा रही है। इंदौर में छत्तीसगढ़ की बेटी के साथ ऐसी अवहेलना की गई कि उसमें पुलिस की शरण लेने के बाद जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है, लेकिन पीड़ित के आरोप काफ़ी गंभीर रहे और ये वजह है कि खबर आग की तरह फैल गई। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों की अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर रही है। अयोध्या पुलिस ने 31 लाख की डकैती का आज खुलासा कर दिया है। खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि डकैती 18 दिसंबर को अयोध्या कोतवाली के तकपुरा गांव में शिव शंकर वर्मा के यहां हुई थी। पुलिस ने एक दूसरी डकैती की योजना बनाते समय अयोध्या कोतवाली के साथ ही बूथ नंबर 4 के पास से 8 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले मिर्जापुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकली शराब फैक्ट्री पर छापा मारा और आपको बता दें कि एक भारी मात्रा में अवैध शराब, खाली बोतल और स्प्रिंट बरामद किया है। पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई शराब की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। अमेठी से है, जहां छुट्टा जानवरों से नाराज ग्रामीणों ने और किसानों ने छुट्टा जानवरों को गांव के बाहर बने प्राइमरी पाठशाला में बंद कर दिया। तो वहीं आपको बता दें कि जानवर खेतों में नुकसान पहुंचा रहे थे। लोगों ने 5 दर्जन से अधिक जानवरों को एकत्रित कर प्राइमरी पाठशाला में बंद किया। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन के मद्देनजर उत्तराखंड बीजेपी ने 70 सीटों पर दावेदारों के पैनल को अंतिम रूप दे दिया है। शनिवार को पार्टी की चुनाव समिति की बैठक में चर्चा के बाद इस पर मुहर लग गई है। आज यह सूची दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी। आचार संहिता लागू हुए एकता होने के हुए, लेकिन इसके बावजूद बागेश्वर में होर्डिंग, बैनर, बोर्ड कई जगह देखे जा रहे हैं। प्रशासन ने अभी तक उन्हें नहीं हटवाया। अगर जिला मुख्यालय में प्रशासन का ऐसा ढुलमुल रवैया है तो फिर दूर क्षेत्रों में क्या हाल होगा। और ये एक ऐसी आदर्श आचार संहिता है जिस पर जिम्मेदार निगाह नहीं दे रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए अल्मोड़ा पुलिस तत्पर है, जिसको लेकर अल्मोड़ा पुलिस की सघन चेकिंग में प्रतिबंधित चुनाव प्रचार सामग्री के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर वाहन सीज कर दिया गया है।
तो एनबी न्यूज़ एक्सप्रेस में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।